भारत बायोटेक को कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी सलाहकार समूह ने मंगलवार को कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की सूची में शामिल करने के लिए अंतिम लाभ जोखिम मूल्यांकन करने के वास्ते भारत बायोटेक से अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा। तकनीकी सलाहकार समूह अब अंतिम मूल्यांकन के लिए 3 नवंबर को बैठक करेगा। कोवैक्सीन को विकसित करने वाली हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने टीके को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल करने के लिए 19 अप्रैल को WHO को EOI प्रस्तुत की थी।